देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं कि अजीत पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुंगुलीरम। ईवीएम का मुद्दा भले ही सरकार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं, लेकिन विपक्ष बार बार इस ईवीएम को ही मुद्दा बना रहा है और हर बार बात एक स्वर में यही उठाई जा रही है कि देश को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इस बात को इस बार दोहराया है उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने। संजय राउत ने प्रेस से बातचीत के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है, तो इसके जवाब में संजय राउत ने साफ कहा कि कुछ लोगों की व्यक्तिगत राय ये हो सकती है, लेकिन देश की राय ये बिल्कुल भी नहीं है। और खासतौर से वही ईवीएम का समर्थन करते हैं जो चाहे बीजेपी में है या फिर वे अंधभक्त हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की राय एक बड़े स्तर पर ईवीएम को लेकर आखिर क्या है। चुनाव दर चुनाव ये सवाल उठते रहे हैं कि चुनाव में मतदान आखिर बैलेट से होनी चाहिए या फिर ईवीएम का व्यवस्था ठीक है, लेकिन विपक्ष कई बार इस बात को कहता आया है कि ईवीएम के सहारे सरकार बनाने के क्रम में कई बार बैठकबाजी हुई है, कई बार घोटाले हुए। हालांकि ये तो वो आरोप हैं जो विपक्ष सरकार और ईवीएम पर लगाती आई है, लेकिन इन सवालों में सच्चाई तब दिखने लगती है जब चुनाव में मतदान करके आने के बाद लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि उन्होंने वोट किसी और पार्टी को दिया और वीवीपैट से निकली पर्ची पर सिंबल किसी और ही पार्टी का है। इसके साथ सवाल ईवीएम को लेकर खत्म होने के बजाय बढ़कर इसकी आंच चुनाव आयोग तक भी पहुंच जाती है, जब स्ट्रांग रूम के बाहर वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिलती हैं। आपको याद होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कभी ईवीएम की मशीनें किसी पार्टी के नेता की जीप में मिला करती थी, तो कहीं वीवीपैट की पर्चियां जली हुई स्ट्रांग रूम के बाहर। उस समय भी इन मुद्दों को उठाकर विपक्ष ने ईवीएम और चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से घेरा था और आज तक भी ये सवाल जारी ही है कि ईवीएम बनाम बैलेट में कौन बेहतर विकल्प है। और इसी सवाल पर शिवसेना की खासकर राय ये है कि देश को ईवीएम पसंद नहीं है। सुनिए, देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं कि अजीत पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से। साथ ही जो बात नोट करने लायक है वो ये कि संजय राउत ने सीधे सीधे बीजेपी को ईवीएम के साथ निशाने पर लिया है। मीडिया द्वारा अजीत पवार पर सवाल होने के बावजूद संजय राउत ये कहने से नहीं चूके कि ईवीएम सिर्फ उसी के लिए भरोसेमंद है जो या तो अंधभक्त है या फिर बीजेपी में बैठे हुए हैं। मतलब साफ कि संजय राउत का कहना है कि जितने भी सवाल ईवीएम पर उठने शुरू हुए हैं उसका कारण कहीं ना कहीं बीजेपी है। हालांकि विपक्ष की बात का पूरा सम्मान करते हुए हम ये सवाल विपक्ष से भी पूछना चाहेंगे कि आखिर अगर विपक्ष को ईवीएम से इतनी ही आपत्ति है तो सभी पार्टियां अपने अलग अलग बयान देने की जगह साथ में इस बात को उठाने से गुरेज क्यों करती हैं। और साथ ही ये बात भी जरूर पूछी जाएगी कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है तो जब सुप्रीम कोर्ट विपक्षी पार्टियों से इसे साबित करने को कहता है तो सबूत तो दूर, तब विपक्ष सामने आकर मजबूती से अपनी एकता क्यों नहीं था। क्योंकि सत्ता तो ईवीएम पर सवाल या बवाल खड़ा करने से रही, यह काम तो विपक्ष के ही हिस्से है। तो इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सहयोग की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।